VFX footage. VFX footage. परभनी आज तक टॉप न्यूज हिंदी परभनी महाराष्ट्र इंडिया से मैं आपका मेजबान कलीम कुरैशी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम हमारे समाज से ऐसी शख्सियात से आपको रूबरू करवाएं हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है रूबरू, ताकि समाज में जो होने वाले बदल है उसके ऊपर लोगों को भी उससे मालूमात हो सके और वाकिफ हो सके। तो आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाना चाह रहे हैं जो एजुकेशन फील्ड से जिनका बहुत ही गहरा ताल्लुक रहा है और एजुकेशन फील्ड में उन्होंने परभनी के अंदर एक बहुत बहुत बड़ी तब्दीली यहाँ पर लाई है। मैं बात कर रहा हूँ रशीद खान सर इनकी, जो एमए बीपीएड है और डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज से उन्होंने अपने एजुकेशन फील्ड की शुरुआत की थी, उस संस्था में उन्होंने की थी और उसके बाद फिर आगे चलकर स्कूल संस्था इसमें भी काफ़ी काम उन्होंने किया है। तो आइए हम बात करते हैं रशीद खान सर से इस शेर के साथ। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। रशीद सर, इस्तकबाल है आपका परभनी आस्था टॉप न्यूज़ हिंदी के इस ख़ास प्रोग्राम में जिसका नाम है रूबरू। सर, मेरा सबसे पहले ये सवाल है आपसे कि आपने एजुकेशन फील्ड की जो आपकी शुरुआती दौर के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मैं रशीद खान मोहम्मद हनीफ खान, एमए बीपीएड, प्रेसिडेंट मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी परभनी। मैंने अपने तालीमी दौर की इब्तदा डॉक्टर राकिर हुसैन हाई स्कूल से की। 1973 जुलाई 1973 में मेरा वहाँ पर अपॉइंटमेंट बहसीत टीचर हुआ हाई स्कूल, और रफ्ता रफ्ता मैंने मुलाजिमत के दौरान अपना ग्रेजुएशन मुकम्मल किया, पोस्ट ग्रेजुएशन मुकम्मल किया, बीपीएड मुकम्मल किया और दो हिस्सों में मैंने अपनी खिदमत अंजाम दी है, एक जाकिर हुसैन हाई स्कूल और दूसरा जाकिर हुसैन जूनियर कॉलेज और इसी के साथ साथ जाकिर हुसैन डीएड कॉलेज में। ये तीन जगहों पर मैंने अपनी खिदमत अंजाम दी 1973 से 1998 के दौरान, और 1998 से मैंने अपने स्कूल को, क्योंकि ये हाई स्कूल शुरू हो गया था परभनी में मॉडल उर्दू हाई स्कूल मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के जेर एहतमाम, तो अब उसको संभालने की जिम्मेदारी थी जबकि उसको ग्रांट भी नहीं थी, तो मैंने वहाँ पर वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर यहाँ आकर बहसीयत प्रिंसिपल मैं ज्वाइन हो गया। मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी का क़याम मैंने जो किया है, क्योंकि मैंने अपनी मुलाजिमत के दौरान ये देखा कि बच्चों में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है और ख़ास कर मुस्लिम तबके में, और इनके लिए ये खिदमत जो है यानी कि दर्स व तदरीस की खिदमत, मौलिम का जो पेशा है ये पेशा बड़ा ईमानदाराना होना चाहिए, अपनी कौम को आगे लेके बढ़ने का होना चाहिए, अपनी कौम को सुधारने और डेवलप करने का होना चाहिए, अपनी कौम को दूसरों के मुकाबले में खड़े करने का होना चाहिए, तो इसकी तरह मुझे कमी नजर आई अपने खुद इदारे में भी और दीगर इदारों में भी। जबकि जाकिर हुसैन में जहाँ मैं मुलाजिम था वहाँ सोसाइटी की ख्वाहिश यही थी जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन स्टाफ उसके ज़रा बरक्स पाया गया अक्सरियत में, तो मुझे वो तकलीफ बर्दाश्त नहीं हुई और मैंने वहाँ की मुलाजिमत से सुबुकदोशी अख्तियार की और फिर अपने ही क़याम करदा सोसाइटी में जो मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी है जिसका क़याम 1984 में अमल में लाया था हमने, इस सोसाइटी का मकसद ये था मेरे जहन में कि मुस्लिम बच्चों को या उर्दू पढ़ने वाले बच्चों को, अगर वो दीगर कौम के भी हों, वैसे एक बच्चा हमारे पास से दूसरी कौम का भी पढ़कर गया है उर्दू में, तो इन बच्चों की इब्तदाई तालीम, बुनियादी तालीम गुलशन अतफाल से
या जिसको किंडरगार्टन कहा जाता है उस जरिए से शुरू की जाए, नर्सरी से की जाए। इस ख्वाहिश को जहन में रखते हुए मैंने 1984 में सोसाइटी कायम की, मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी अपने दोस्तों को लेकर, और 1984 में परभनी का पहला बालवाड़ी स्कूल जिसको बोलेंगे या प्ले स्कूल जिसको बोलेंगे, किंडरगार्टन स्कूल या गुलशन अतफाल जिसको बोलेंगे, उसकी इब्तदा अमल में लाई मैंने। वहां पर इब्तदा में हमारे दोस्तों की सोसाइटी के मेम्बरान के बच्चों के अलावा कौम के दीगर लोगों ने जिनको इस पर एतमाद था, भरोसा था, हमारा साथ दिया और इसको लेकर हम आगे बढ़ते रहे। रफ्ता रफ्ता कारवा हमारा ऐसा अच्छा चलता रहा कि हमारे इदारे का नाम बुलंद होता चला गया। तो जब प्राइमरी, उसके बाद प्राइमरी के दर्जा शुरू किया हमने पहली, और उसके बाद जो चौथी क्लास तक आ जाने के बाद मैं ये चाहता था कि ये बच्चे दूसरे स्कूल भेज दिए जाए, लेकिन मेरे मोहसिन परभनी के मशहूर इंजीनियर अब्दुल रशीद इंजीनियर ने मुझे मशवरा दिया कि रशीद खान तुम्हारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, तुम स्कूल में नाम कमा लिए, लोगों में नाम कमा लिए, अब दूसरे स्कूलों में इन बच्चों को मत भेजो, तुम इनको आगे लेकर चलो। तो उनकी हौसला अफजाई से मैंने पांचवी की इब्तिदा की, पांचवी क्लास शुरू की। पांचवी क्लास शुरू करने के बाद सातवीं तक आए, और सातवीं के बाद 1992 में कर लेने के बाद हाई स्कूल का रिजल्ट हमारे पास क्या साथ देता। बहुत मेहनती थे, मेहनती हैं भी, और इनकी मेहनतों की वजह से बच्चे अच्छे नंबरात से पास होने लगे। तो ये देखते हुए हमने हमारे मॉडल उर्दू हाई स्कूल को सेमी मीडियम में, सेमी इंग्लिश मीडियम में तब्दील किया। तो इस एतबार से परभनी का नहीं बल्कि औरंगाबाद डिवीजन का, पूरे मराठवाड़े का यह पहला स्कूल है जहां सेमी इंग्लिश की तालीम शुरू हुई। हमारी इस तालीम का असर बहुत अच्छा हुआ अवाम पर, बच्चों को काफी फायदा हुआ और बच्चों के दर्जे और आगे बढ़ते गए, बच्चों की हौसला अफजाई होती गई, उनका मियार बढ़ता गया और उन्हें अच्छे कोर्सेस में दाखिले मिलते गए। तो आज भी आप देखेंगे नाजरीन कि हमारे स्कूल के बच्चे ही ज्यादा से ज्यादा परभनी के चमकने वाले बच्चों में शामिल हैं, और एक ही स्कूल का परसेंटेज सबसे ज्यादा है। जैसे पिछले सालों में अभी फारिग हुए मदुरई यूनिवर्सिटी से, तो एमटेक के लिए 6 बच्चे, मुस्लिम बच्चे वहां पर पढ़ते थे एमटेक, जो 6 के 6 मॉडल उर्दू स्कूल में। हमारे बच्चों में इंजीनियर्स डॉक्टर्स की तादाद बहुत ज्यादा है, इसके अलावा सीए और दीगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आकर सर्विसेस में भी, गवर्नमेंट के सर्विसेस में मॉडल स्कूल के बच्चों ने नाम कमाया है। आज बहुत ज्यादा तादाद हमारे स्कूल की, मैं समझता हूँ कि 100 से ज्यादा बच्चे इंडिया से बाहर हैं जो जॉब कर रहे हैं। अब हमारा मुस्तकबिल में एक कोशिश चल रही है ओल्ड वाइज की कि ये सारे बच्चों को जमा करके एक प्रोग्राम लिया जाए, जो बच्चे सारे फैल गए हुए हैं, पूरे इंडिया में फैले हुए हैं और अब्रॉड में भी फैले हुए हैं। बस इस तरह की हमारी कोशिशें जारी हैं, और इन कोशिशों में दरमियान में अब जाहिर है कि हम जिस कौम से वाबस्ता हैं, ये कौम का एक अलमिया है कि लोग, मेरी हद तक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सारे मराठवाड़ा का मेरे को ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि उर्दू सोसाइटीज एसोसिएशन जो औरंगाबाद की है उसमें भी मैं रहा हूँ, और मैंने ये देखा हूँ कि हमारे कौम को काम करने वालों को सपोर्ट करने वालों के बजाय तकलीफ देने वालों की शिद्दत ज्यादा होती, जिसकी वजह से हमारे सोसाइटी वाले पिछड़ते हैं। यही रोना पीए इनामदार साहब जो हैं पूना के, उन्होंने भी कभी जिक्र किया था परभनी आकर। तो ये सारी चीजें हैं। अंजुमन इस्लाम वालों का भी यही बोलना है, जो इसाक जिमखाना वाला साहब चलाते थे मुंबई में, उनकी भी ये शिकायतें हैं कौम से। और रंगून वाला साहब जो मुस्लिम बच्चों के लिए कुछ करना चाहते, कुछ खर्च करना चाहते, पैसा देना चाहते, इनके डेवलपमेंट में इमदाद करना चाहते, तो उनकी इमदाद से भी जो फायदा हमारी कौम को होना चाहिए वहां रखने खड़े हो रहे हैं, ये मेरे देखने में आया।
बहुत सारी कोशिशें की हैं इनामदार साहब ने भी, लेकिन वो भी कहीं कहीं नाकाम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं जब निगेटिविटी बढ़ जाती है, ये निगेटिविटी का ग्रोथ चल रहा है इस वक्त, जबकि हम ये देखते हैं कि हमारे बचपन में मजहबी लगाव इतना ज्यादा कौम में नहीं था, लेकिन अब मजहबी लगाव बहुत ज्यादा हो गया और निगेटिविटी भी बढ़ गई उसके साथ। अब ये बात मेरे समझ में नहीं आती कि उसका ताल्लुक के मजहबी एक्टिविटीज की वजह से है या किस वजह से। मुसलमानों की वैसे तो देखा जाए तो सारे दुनिया में हालत इस वक्त ऐसी है कि हमारे हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से या हिंदुस्तान की गैर कौमों की तरफ से ये मैसेज मिलते हैं कि मुसलमान आतंकवादी है, मुसलमान आतंकवादी है। तो ये रुझान डेवलप होने की वजह मुझे सिर्फ ये समझ में आती है कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे बच्चों को जिस फील्ड में बढ़ रहे उस फील्ड में बढ़ने दी। उनके अंदर निगेटिविटी बढ़ती है तो निगेटिविटी बढ़ने दी, उसको रोके नहीं। अगर ये निगेटिविटी पे ब्रेक लगाया जाता तो आज जो हालत हो गई है हिंदुस्तान के साथ साथ हमारे परभनी शहर की, तो ये मुझे जरा कौम के तरक्की में एक रुकावट मालूम होती है। यानी कौम से हमारे चार बच्चे जाते हैं आगे या आठ बच्चे जाते हैं, तो उसके बजाय उसमें 50% रुकावट पैदा हो सकती है, उनके रुझान बदल सकते हैं और वो डाइवर्ट होते हैं। ये डाइवर्ट होने की वजह से कौम में तबाही और बर्बादी का ग्राफ जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये अगर इस बात को बारीकी से गौर करें नाजरीन, तो आप भी अपने बच्चों के इस जानिब भी तवज्जो अगर करते रहें कि क्या हो रहा है हमारे महलों में, क्या हो रहा है हमारे महलों का माहौल, क्या है हमारे वार्ड का माहौल, क्या है हमारे शहर का माहौल, क्या है, और निगेटिव माहौल है तो उसको कंडम करें, ताकि होम में काम करने वाले नहीं है ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे लोग काम करने का जज्बा रखते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं मेरे से ज्यादा भी जज्बा रखते हैं लोग, तो उनकी हौसला अफजाई करें, उनकी मदद करें और उनको निगेटिव एक्शन लेने वालों के एक्शन से बचाएं, तभी वो आगे बढ़ सकते हैं, वरना काम करने वाले के हौसले पस्त हो जाते हैं और उन्हें रुक जाता है, या जो उसके हाथ में है उसी को संभालने की कोशिश करता है, उसके डेवलपमेंट की वो सोचता नहीं। फिर तो कौम ने इस तरह अगर मदद कर सकते हैं, करना तो चाहिए, लेकिन कर सकते हैं इसलिए बोलना पड़ रहा है आज कि कौम का मिजाज बदल गया है, कौम का मिजाज बदल गया है और सब लोग सिर्फ अपनी अपनी देख रहे, अपनी जन्नत की पड़ी हुई है लोगों को कि मैं कैसा जन्नत में जाऊंगा, मेरी बीवी नहीं तो नहीं गई। यहां तक के लोगों में मैंने ये देखा है, रुझान पाया जा रहा है, तो बच्चों का कब सोचेंगा, अपनी बीवी का, अपनी माँ का, अपने बाप का नहीं सोचता, सिर्फ दो हाथ उठा के दुआ कर लेना चाहता और अल्लाह गफूर रहीम है ये समझता कि भाई उन्हें सब माफ कर देगा। माफ वाफ क्या करेगा वो, उसका फैसला है, उसका फैसला है। लेकिन हम नादानी में क्या है, दुआएं कर करके खुश होते रहते हैं, ऐसा करने से हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमको आगे बढ़ने के लिए क्या करना है, जरा सर जोड़ के बैठने की जरूरत है। अब तक जो हुआ अभी वक्त गया नहीं, आने वाले बच्चे हाथों में है, आने वाली कौम हाथों में है और उसी उन्हीं पर हमारी होम फिर बढ़ने वाली है, तो हम उनको कैसा संवार सकते ये देखो, कैसा बढ़ा सकते ये देखो, कैसा किसको पीछे खींच सकते, अगर ये देखते देखते आप चलेंगे तो बड़ा बुरा होगा। ये सारी चीजों के साथ साथ लोगों के जहन में ऐसा है कि उन्हें कितने पैसे कमा रहा, इन्हें कितने पैसे कमा रहा, वो कहां से पैसे, अरे कोई पैसे कमाता है तो वो उसका फेल है, उसको खुदा को जवाब देना है, उन्हें अगर कुछ गलत काम करता है तो उसको उसके रब के सामने पेश होना है। तो मकसद था कि तालीम का मियार है तो अगर बच्चों में पहले स्कूल की दिलचस्पी, इब्तदा में स्कूल का डर उनके जहनों से निकालना और हंसते खेलते हुए पढ़ने का माहौल उनको मुहैया करना, ये इस काम की इब्तदा होती है केजी स्कूल में जी। क्योंकि जब बच्चा पहली में आ जाता है तो उसको पढ़ने का काम लग जाता है, पढ़ने पढ़ाने का काम लग जाता है। लेकिन केजी स्कूल जो है, जिसको प्ले स्कूल बोलते हैं हम, वहां बच्चे के ऊपर कोई पाबंदी नहीं रहती कि उसने होमवर्क करना चाहिए या उसने है तो लिखना चाहिए या लिख के लाना चाहिए
या डिसिप्लिन से रहना चाहिए, ये पाबंदियां नहीं होती। ये पाबंदियां सिर्फ टीचर के जहन में रहती और उसको बच्चों को अंदर कैसा सरात की जाए उसकी ये कोशिश रहती, और वो कोशिश ये 2 सालों में की जाती है, जूनियर के जी सीनियर के जी में। नर्सरी में तो कोई सवाल पैदा नहीं होता। तो ये कोशिशों को जहन में रखते हुए, क्योंकि मैं भी उसका ट्रेंड हूँ, मैंने 1 साल की ट्रेनिंग ली है उसकी पूरी, मेरे पास तो उसका सर्टिफिकेट भी है, और ये लैक्यूना मुझे नजर आया कि हमारी कौम के बच्चे उर्दू मीडियम से ज्यादा पढ़ते हैं और उनके लिए ऐसी कोई सहूलत मुहैया नहीं है परभनी शहर में, इसलिए मैं परभनी में इसकी इब्तदा किया। और उसको लेते हुए जब बच्चों में पढ़ने का शौक पैदा हो गया तो प्राइमरी शुरू किया, और प्राइमरी स्कूल में उनकी तालीम चलती रही। तो प्राइमरी के दौरान 1-4 के दौरान भी कोई किसी किस्म की सख्ती, टीचर का सख्त आवाज और कोई पनिशमेंट, कॉर्पोरल पनिशमेंट, इसका कहीं भी हमारे पास बूबास स्कूल के अंदर मैंने पैदा नहीं होने दिया। इसके लिए मुझे टीचर्स को बार बार मीटिंग लेना पड़ती थी, उनको समझाना पड़ता था, उनको बोलना पड़ता था, उस किस्म के टीचर्स को सिलेक्ट करना पड़ता था। और चूंकि कोई गवर्नमेंट की ग्रांट नहीं थी तो इब्तदा ही हमने फीस से शुरू किए थे, बच्चों को मामूली सी फीस देना पड़ती थी। और डिसिप्लिन के लिए जरूरी है कि उनका अपना यूनिफॉर्म और वक्त की पाबंदी, ये 2 चीजों की पाबंदी हमने इब्तदा से की। एक तो बच्चा मुकम्मल यूनिफॉर्म में रहे और वक्त की पाबंदी करे, और ये सारी बातों के साथ साथ उनको मजहबी टच भी रखा गया। अखलाकियात की तालीम भी हमने स्कूल में जारी रखी, मजहबी तालीम भी जारी रखी, अखलाकियात की तालीम भी जारी रखी। मॉरल एजुकेशन जो है, आज जिसको मॉरल एजुकेशन बोलते हैं, नैतिक शिक्षण, तो उस पीरियड के तहत हमने ऐसे मुनासिब लोगों से खिदमत हासिल की जिसका फायदा हमारे बच्चों को हुआ। और हमारे बच्चे ये सारी चीजों का फायदा उठाते हुए आगे बढ़ते गए, उनका तालीमी जज्बा बढ़ता गया, इल्मी जज्बा बढ़ता गया, और वो उन्होंने अपने हुनर उजागर करना शुरू किए। मुख्तलिफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी हमारे बच्चों ने हिस्सा लिया, जिसमें NCERT का जो साइंस का एग्जाम होता है उसमें हमारी बच्ची नागपुर गई थी, निदा तमसील खालिक अहमद खान जो आज MD डॉक्टर है, तो उस वक्त वहां जो डायरेक्टर थे NCERT के नागपुर में, उनसे फोन आया मुझे और मुबारकबाद दिए कि मैंने अपनी लाइफ में पहली लड़की उर्दू मीडियम की देखा हूँ, मेरी सर्विस खत्म होने आ रही है, 1 साल बाकी है, और पूरी जिंदगी में सर्विस के एक ही बच्ची मैंने मुस्लिम उर्दू मीडियम की देखा हूँ, और इसलिए तुम काबिल मुबारकबाद हो। की काउंसिल तक अप्रोच किया, इंडिया के बाहर भी उनके पेंटिंग्स गए हुए हैं, और बॉम्बे में एग्जाम देकर वो भी स्कॉलरशिप होल्डर बने स्कूल में, जबकि ये टच उर्दू कोई स्कूलों में नहीं है, किसी को इसका नॉलेज भी नहीं है और सीखना भी नहीं है। तो ये फायदे भी हमारे बच्चों को हमारी तरफ से मिले हैं। इसके अलावा गेम्स में, स्पोर्ट्स में भी हमारे बच्चे इंडिया में नेशनल लेवल पर भी खेले हैं और आउट ऑफ इंडिया दुबई में भी जाकर खेले हैं, जिसके बैनर्स भी लगे थे, बच्चों को मुबारकबादियां भी मिली, और नेशनल लेवल के भी बच्चे हमारे पास फुटबॉल की गेम में, और इसके साथ साथ रोलिंग बॉल और क्रिकेट में भी ये बच्चे बड़े आगे गए। उसके लिए जो हमारे पास शकील सर है फिजिकल इंस्ट्रक्टर, उनकी खिदमत हमको हासिल है। हर इंसान को जो करना है उसके जमीर को मार के वो नहीं कर नहीं सकता, उसको रात में नींद नहीं आ सकती अगर कुछ गलत करता है, तो मेरा ये मानना है। तो ऐसे लोगों को देखिए और आप उनका सपोर्ट कीजिए, बस मैं इतना ही कहूंगा। लास्ट में मैं अपनी कौम से ये गुजारिश करूंगा कि कौम संजीदा हो जाए, दीगर फजूल बातों में ना रहते हुए कम अज कम अपनी फैमिली का ख्याल करें, अपने फैमिली के साथ साथ अपने खानदान का, कबीले का ख्याल करें, अपने मोहल्ले का ख्याल करें, वहाँ की तालीम का ख्याल करें, और अगर आप कर सकते हैं उससे बढ़ के भी खिदमत, तो अपने मोहल्ले के बच्चों को सुधारने का काम करें। कम अज कम शहर का तो सुधारना मुमकिन नहीं है, एक मोहल्ले को सुधारना मुमकिन है, तो इसमें जुड़कर 1 से 2, 2 से 3 अगर मिल जाए और 3 लोग मिलकर मोहल्लों में काम करें,
तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। और हमें दीगर फील्डों में जो सियासी हैं या शोला बयानी के या कहीं भड़काने के या कोई मंदिर मस्जिद के, तो ये मसलों में ना जाते हुए अपने बच्चों की तालीम, सिर्फ तालीम पर ही मरकज करना जरूरी है और तरबियत पर, और उन्हें मजहबी टच से दूर ना हो जाने दें, क्योंकि हमको सब कुछ दिया है हमारे विरसा ने, हम और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसी को अगर हम ध्यान में रखते हुए अपनी कौम को संवारने का बेड़ा अगर ले लें, जितनी भी अपनी जिंदगी में 2-5 साल 10 साल जो भी हो सकते हैं, तो मैं समझता हूँ इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट और फ्रूट नस्ल पर आएगा और वो इससे मुस्तफिज होगी, और इसका यकीनन अजर जिसको सवाब कहते हैं वो सवाब इसमें मिलेगा। सवाब दारें दीगर चीजों में नहीं मिलता, सवाब इसमें है कि उम्मत को सुधारो, उम्मत के बच्चों को सुधारो, बच्चे ही उम्मत हैं, और उम्मत के बच्चे अगर सुधर जाए तो हुजूर को क्या खुशी होगी। तो ये आप समझ सकते हैं। बस मैं छोटा सा आदमी हूं, ये बातें बड़ी बड़ी नसीहत की मुझसे कही जाना ये मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारे कौम का मिजाज है कि हमारे उलमा क्या बोलते, हमारे बड़े अकाबरीन क्या बोलते। मैं ना आलिम हूं ना अकाबिर हूं, मैंने एक जज्बा था दीनी, तो एक दीनी मदरसा भी शुरू किया था जो बारादरी रोशन खान में चलता था, जो रोशन खान बारादरी के ही नाम से था, जिसमें क्या है मैं हुलिये की बुना पर अलहदगी अख्तियार किया हूं, क्योंकि एक भोंडी बात जो मैं महसूस करता हूं अपने तौर पे, ये शायद बहुत सारे लोगों को बुरी लग जाएगी कि किसी कौम को हुलिये से जाहिर करना कोई मजहब की तालीम नहीं है, कोई मजहब की पाबंदी नहीं है कि उसका हुलिया किस किस्म का हो। भाई मजहब की तालीम है जिंदगी का ढंग कैसा हो, जिंदगी गुजारने का ढंग कैसा हो, आपसे किसको फायदा पहुंच सकता है, खुद के लिए नहीं, खुद के लिए तो जानवर भी जीते हैं, खुद के लिए सारे जानवर भी जीते हैं, लेकिन इंसान को अल्लाह मियां ने पैदा करा दूसरे के लिए, हवा को बनाया आदम के लिए और आदम को बनाया हवा के लिए। इस सोच को अगर आगे हम लेके चलते हैं तो ये बात समझ में आती है कि बाप को बनाया बेटे के लिए और बेटे को बनाया बाप के लिए, तो पड़ोस वाले के लिए हमको बनाया, ये फिर पड़ोसी की बात आती है, शहर वालों की बात ये आती है कि दूसरे शहर वालों के लिए बनाया। हम अगर हमारे इमदाद का जज्बा, मदद करने का जज्बा, डेवलप करने का जज्बा अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो कौम की मदद के लिए, अगर तुम ये काम कर सकते हैं तो ही ये मकसद खुदाबंदी है। मुझे अपनी स्टडी में अपने मुताले में ये बात समझ में आती है और यही तालीम हर मजहब के रहनुमा ने दी है, इससे हटके उनकी कोई तालीम नहीं। किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, किसी को बर्बाद करना नहीं है, किसी का कुछ कर सकते होंगे अच्छा तो करना है, जो जानवर नहीं कर सकता इसलिए वो इंसान के जुमरे में आता है, तो इंसान रहना है और इंसान बन के ही खत्म होना है। तो इस बात से हटकर अगर जिंदगी गुजारते हैं तो फिर मैं उसको इंसान मानने के लिए तैयार नहीं। ये थे रशीद खान सर, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी तालीम और एजुकेशन के लिए वक्फ कर दी है, और उनकी कोशिश ये है कि कौम और मिल्लत में तालीमी बेदारी कैसे पैदा की जाए, जिसकी कोशिशें उन्होंने 1984 से ही मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के नाम से और आज उर्दू मॉडल स्कूल के नाम से यहाँ पर परभनी में हाई स्कूल तक यहाँ पर वो खिदमत दे रहे हैं। और एक फिक्र कोशिश ये है कि कौम के अंदर तालीमी बेदारी पैदा हो जाए, और कहीं ना कहीं ये बात बहुत ही सही भी है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसे खुद अपने आप को बदलने का। तो नाज़रीन, अगले एपिसोड में फिर ऐसी ही बड़ी और कामयाब शख्सियत से हम आपको मिलवाएंगे हमारे इस ख़ास प्रोग्राम में जिसका नाम है रूबरू। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। ही बातमी आपणास आवडली असेल तर आमचा चॅनल सबस्क्राइब करा, शेअर करा, कमेंट करा व बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका।